बांग्लादेश का शातिरपना, भारत को दी चेतावनी, बॉर्डर पास मची हलचल और बांग्लादेश ने रख दी भारत के सामने ऐसी शर्त जिसे जानना आप सभी के लिए जरूरी है। पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग वीडियो को एक लाइक करें और बांग्लादेश को लेकर भारत के सख्त रुख के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने भारत को लेकर अपना शातिरपना जाहिर किया है। उन्होंने नई दिल्ली पर आम बांग्लादेशियों की मांगों पर महत्व न देने और वर्तमान में बांग्लादेश में रह रहे 10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने में मदद न करने का आरोप लगाया, जहां उन्होंने एबीपी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में बीएसएफ की गोलीबारी में मौत का जिक्र किया और कहा कि सीमा पर एक व्यक्ति की हत्या होती है और पूरे बांग्लादेश में उसका दर्द महसूस किया जाता है। साथ ही ये भी कहा कि सीमा पर भारत को हत्याओं को रोकने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, हैरानी वाली बात ये है कि इसी दौरान उनका पाकिस्तान प्रेम भी सामने आया, जहां उन्होंने सार्क के बारे में बात करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि सार्क प्रक्रिया फिर से पुनर्जीवित हो और यहां पर भारत पाकिस्तान की दुश्मनी को अलग रखा जा सकता है। यहां ये जानना जरूरी है कि शेख हसीना के कार्यकाल में सार्क में बांग्लादेश और भारत साथ साथ थे, जिसके चलते पाकिस्तान की यहां दाल नहीं गल रही थी। वही नई दिल्ली और ढाका के संबंधों को लेकर हुसैन ने कहा कि भारत जानता है कि बांग्लादेश के लोग क्या चाहते हैं, लेकिन शायद उन्होंने लोगों के बजाय एक व्यक्ति और एक पार्टी के साथ संबंधों को अधिक महत्व दिया। लेकिन दोस्तों, सीमा पर जो हत्या हुई है उसको लेकर ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक मौलवी बाजार के कुलौरा सीमा पर भारतीय सुरक्षा बल की गोलीबारी में एक बांग्लादेशी किशोरी की मौत हो गई थी और बताया गया कि किशोरी अपनी मां के साथ अवैध रूप से बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रही थी, जिस दौरान यह घटना हुई। और अब दोस्तों, बांग्लादेश पर एक बड़ी आफत आती दिख रही है, क्योंकि बांग्लादेश की सत्ता से शेख हसीना के बाहर होने के बाद लोगों को लगा था कि नई सरकार नए बांग्लादेश का निर्माण करेगी, लेकिन परिणाम ठीक इसके विपरीत आ रहे हैं। धार्मिक और राजनीतिक हिंसा से जूझ रहे देश में अब जो नई आफत आई है उसको लेकर बताया जा रहा है कि हाल ही में बॉर्डर तोड़कर 8,000 रोहिंग्या देश में घुस आए हैं। उनके पास रहने का ठिकाना नहीं है और उन्हें बांग्लादेश की सरकार रोक नहीं पा रही है। इससे लगातार रोहिंग्या की संख्या बढ़ रही है और इसको लेकर विदेश मंत्री से जब पूछा गया कि क्या वे रोहिंग्या को फिर से म्यांमार भेजेंगे, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम अराकान आर्मी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अराकान आर्मी म्यांमार का एक विद्रोही समूह है जिसने म्यांमार के अधिकांश इलाके पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि इनको वापस म्यांमार भेजने का यही एक रास्ता है। और यदि आपको नहीं पता तो बता दूं, बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले में साल 2017 से 10 लाख से अधिक रोहिंग्या रह रहे हैं, जो कि म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद ये लोग बांग्लादेश भाग कर आए हैं। और जरूरी बात यह है कि इनमें से अभी तक एक भी रोहिंग्या को वापस नहीं भेजा जा सका है। वही अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, वो ये है कि बांग्लादेश में अचानक हुई उथल पुथल के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होने का अंदेशा कई बार जाहिर किया जा चुका है। और अब एक और रिपोर्ट सामने आई है जो कहती है कि बांग्लादेश में बीते साल से ही शेख हसीना को अस्थिर करने की कोशिश हो रही थी और इसमें पाकिस्तान और अमेरिका के लोग शामिल थे। नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेशनल सिक्योरिटी नेटवर्क ने बांग्लादेश के भीतर और बाहर से मिली सूचनाओं के अलग अलग पहलुओं को जोड़कर पाया है कि बांग्लादेशी छात्र संगठनों के कोऑर्डिनेटर बने कुछ छात्रों ने एक साल में कई बार लगातार पाकिस्तान, दुबई और कतर का दौरा किया। साथ ही रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि यहाँ पर इन छात्र नेताओं की मुलाकातें पाकिस्तान और अमेरिका के खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों से हुई और इन्हीं छात्रों के नेतृत्व में इस साल बांग्लादेश में आंदोलन भड़का और ये लोग सरकार को बदल देने में कामयाब रहे हैं। आपको बता दें,
बांग्लादेश में छात्र आंदोलन में खास भूमिका निभाने वाले मोहम्मद महफूज आलम को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का विशेष सहायक नियुक्त किया गया है। आलम उन छात्रों में शामिल था जो बीते साल विदेश जाकर पाक और अमेरिकी अफसरों से मिले। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि छात्रों को अलग अलग तारीखों में विदेश यात्रा कराई गई ताकि बांग्लादेशी खुफिया एजेंसियों को शक न हो सके। वहीं एक सेवानिवृत्त आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल को बांग्लादेशी छात्रों के साथ संपर्क करने का काम सौंपा गया था, जिसने एक साल के भीतर कई बार बांग्लादेश का दौरा किया। लेकिन अब भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि इन सब के बीच ढाका में जारी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के हमले के खिलाफ भारत को अमेरिका का साथ मिल गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस मुद्दे पर फोन कॉल पर पीएम मोदी के साथ बात की, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बांग्लादेश में लोगों की सुरक्षा और वहां लोकतांत्रिक संस्थानों के भविष्य के बारे में अपनी चिंता को व्यक्त किया था। और अब इसी बीच अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना भारत में है और वहां से बांग्लादेश पर राजनीतिक टिप्पणी कर रही है, जो कि सही नहीं है। यदि भारत हसीना को तब तक अपने पास रखना चाहता है जब तक बांग्लादेश उन्हें वापस नहीं बुला ले, तो शर्त यह होगी कि उन्हें चुप रहना होगा। भारत को हसीना को छोड़कर बाकी सबको इस्लामिक बताने वाले विमर्श से आगे बढ़ने की जरूरत है। ढाका में अपने आधिकारिक आवास पर एक इंटरव्यू के दौरान यूनुस ने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ मजबूत संबंधों को महत्व देता है, लेकिन नई दिल्ली को उस विमर्श से आगे बढ़ना चाहिए जो अवामी लीग को छोड़कर शेष अन्य राजनीतिक दलों को इस्लामिक के रूप में चित्रित करता है, और यह कि देश शेख हसीना के बिना अफगानिस्तान के समान हो जाएगा। और यदि आपको नहीं पता तो बता दूं, शेख हसीना के खिलाफ 4 सितंबर को हत्या के 2 और मामले दर्ज किए गए। इसके बाद उनके खिलाफ मुकदमों की कुल संख्या 64 हो गई है। इसी बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से चेतावनी दी गई है कि वह देश में अस्थिरता पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार गृह मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी कर चेतावनी दी है और अति उत्साही एवं स्वार्थी लोगों द्वारा जबरन इस्तीफे, तोड़फोड़, आगजनी, अवैध तलाशी, लूटपाट और जबरन वसूली से पैदा हो रही अस्थिरता पर चिंता व्यक्त की है। वही अब पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक तौहीद हुसैन ने कहा है कि अंतरिम सरकार भारत के लोगों के साथ मजबूत संबंध देखना चाहती है, जिसका पूर्ववर्ती शेख हसीना सरकार के दौरान अभाव था। हुसैन ने यहां संवाददाताओं से कहा, भारत के प्रति जनता के असंतोष को कम करना संभव है। मेरा मानना है कि हमें इस समस्या के समाधान के लिए सही द्विपक्षीय कदम उठाने की जरूरत है और हम लोगों के बीच मजबूत संबंध देखना चाहते हैं। लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि बांग्लादेश और भारत के बीच वास्तव में अच्छे संबंध हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस पहलू का अभाव रहा है। तो दोस्तों, क्या भारत को बांग्लादेश को लेकर सख्त रुख दिखाना चाहिए, या फिर जैसा कि बांग्लादेश चाह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध मजबूत हो जाए, क्या ऐसा ही करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी जरूरी जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।